पास्कल्स लॉ स्टूडेंट, पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ होता है किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर किसी एक पॉइंट पर हम प्रेशर चेंज करें तो सेम अमाउंट से सारे पॉइंट पर प्रेशर चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन ए इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट डिमिनिशिंग इन द लिक्विड। मतलब यहाँ पर देखिए, आप मैंने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, स्फेरिकल है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, जैसे आपने सिरिंज देखा होगा वैसा ही सिरिंज, और देखा होगा कि वो जो पीछे हम लोग पुश करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो उसमें अपने जो मूव करता है वो पिस्टन होता है और बाहर वाला पार्ट जो होता है वो सिलेंडर होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी। तो यहाँ पर अगर हमने फोर्स F अप्लाई किया, मान ले रहा हूँ यह प्रेशर पहले P1 था, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, F बाई A से प्रेशर चेंज हो जाएगा डेल्टा P से। तो ये जो प्रेशर चेंज है डेल्टा P इस पॉइंट पर, अब इस लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर सेम अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर इस पॉइंट पर प्रेशर मान ले रहा हूँ P2 था पहले, तो यहाँ प्रेशर डेल्टा P हो जाएगा, यहाँ पर P3 था तो P3 प्लस डेल्टा P हो जाएगा, यहाँ पर P4 था P4 प्लस डेल्टा T हो जाएगा। तो प्रेशर देख रहे हैं कि इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट डिमिनिशिंग, ठीक है। अब इसका आप लोग डेमोंस्ट्रेशन देख सकते हैं कैसे, इसके एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्फेरिकल कंटेनर है जिसमें हमने यूट्यूब लगा दिया, इस तरह से हमने एक शेप लगा दिया, हमारा ट्यूब लगा हुआ है इस तरह से, इसमें से निकला हुआ इसमें वाटर है, इसमें ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आप लोग को वाटर है इसमें। अभी हमारा पिस्टन है जो मूवेबल पिस्टन है, इसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो एक इसमें सारे लिक्विड में लेवल दिख रहा है कि सेम लेवल तक डिफरेंट लेवल तक राइज है ना, यहाँ पर। लेकिन जैसे ही पिस्टन को प्रेस किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर जो लेवल राइज हो रहा है और यहाँ पर जो लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पर लेवल राइज हो रहा है, सब में सेम अमाउंट से लेवल राइज हो रहा है। तो इसका मतलब है प्रेशर क्या हो रहा है कि सब जगह सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है। लिक्विड प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है, तो सब जगह सेम हाइट राइज हुआ तो इसका मतलब सेम अमाउंट से प्रेशर चेंज हो सकता है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, या ऐसे देखें एक यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैलून है ना, एक उस पर से प्रेस किया जा रहा है। प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि लिक्विड जो है सब डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट से बाहर निकल रहा है हर एक पॉइंट पर, देखिए आप लोग। तो वहाँ इसका मतलब है कि प्रेशर एक जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर तो हर जगह प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है ना। आप लोग देख सकते हैं, फिर से देखें सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग, यहाँ पिस्टन है, ये वाला पिस्टन पार्ट है देखे, और ये हमारा साइड ट्यूब्स है। अब इसमें ये पिस्टन को पुश करेंगे हम लोग, अगर पिस्टन को पुश करें डाउनवर्ड तो देखेंगे कि इसमें लिक्विड का राइज जो होगा उस सेम लेवल से राइज होगा, यहाँ पर लिक्विड सेम लेवल से राइज होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो होता है सब जगह इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, यही पास्कल्स लॉ बताता है, ठीक है। अब इसी का यूज हम लोग बहुत पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन बहुत सारे हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। यहाँ उसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखें एक क्या किया है, एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज है पाइप है जिसमें इसका यहाँ पर एरिया प्रोसेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया प्रोसेक्शन ए वन है कम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ, तो यहाँ पर जो अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर चेंज होगा, यहाँ पर मान ले रहा हूँ डेल्टा पी वन प्रेशर चेंज हुआ तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी वन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रेशर डेल्टा पी वन चेंज होगा तो यहाँ पर भी प्रेशर डेल्टा पी वन से चेंज हो जाएगा, मान ले रहा हूँ ये डेल्टा पी टू है, तो दोनों इक्वल होगा। लिक्विड में प्रेशर एक जगह चेंज करेंगे तो सब जगह सेम ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि फोर्स एफ वन लग रहा है, फोर्स एफ वन लग रहा है तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, एफ वन बाई ए वन, यहाँ पर हो जाएगा एफ वन बाई ए वन, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ए टू है तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ फोर्स एफ टू लग रहा है तो प्रेशर डेल्टा पी टू कितना हो जाएगा, एफ टू डिवाइडेड बाई ए टू, ये हो जाएगा हमारा पी टू इक्वल्स टू एफ टू डिवाइड बाई ए टू। अब ये प्रेशर दोनों तो इक्वल है, पास्कल्स लॉ से देखें तो दोनों प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी वन इक्वल्स टू फ्रॉम पास्कल्स लॉ डेल्टा पी वन इक्वल्स टू डेल्टा पी टू होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल्स टू हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A2, होगा कि नहीं,
यहाँ पर प्रेशर इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, तो हमें यहाँ कम फोर्स लगाना कम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर सेम अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, तब जाके सेम प्रेशर होगा, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ आप लोग इक्वेशन में भी देख सकते हैं, इक्वेशन से अगर मैं F2 का वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू F1। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर तो सेम अमाउंट से चेंज हुआ, तो इस पर फोर्स क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा स्टूडेंट, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। तो यहाँ हम कम फोर्स भी लगाएंगे तो यहाँ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। यहाँ फार्मूला में भी देखें A2 ज़्यादा है A1 कम है, तो ये फैक्टर वन से ज़्यादा है। मान ली कि एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 times ज़्यादा हो, तो यहाँ हम 10 newton फोर्स लगाएंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 newton हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर ज़्यादा आ जा रहा है, वन से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखें तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर, सेम प्रेशर ट्रांसमिट हुआ तो ज़्यादा फोर्स लगा दिया। तो इसका यूज हम लोग हाइड्रोलिक्स ब्रेक में भी करते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आप सिरिंज ले सकते हैं, इसको घर पर भी कर सकते हैं आप लोग। एक सिरिंज होता है जो एक पतला वाला सिरिंज होता है जो मैन को इंजेक्शन दिया जाता है, और एक जो एनिमल को इंजेक्शन दिया जाता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा, ऐसे आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, इसमें फ्लूइड भर दिया, आप वाटर भी भर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। आप इससे 1 newton लगाएंगे, मान ले रहा हूँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 cm², इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 cm² है। तो क्या होगा, आप इधर से अगर 1 newton फोर्स लगाएंगे तो इधर से ये फोर्स लगाएगा इसका 10 times एरिया, 10 newton लगा देगा, ये फोर्स लगाएगा 10 newton। तो इसका यूज हम लोग ब्रेक में करते हैं। सोचो अगर इस पाइप को हम लोग ब्रेक से कनेक्ट कर दें, ब्रेक शूज से, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा व्हील के पास अगर कनेक्ट कर दे, इसमें रबर लगा के व्हील के पास फिक्स कर दे, तो इधर से 1 newton फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा, 10 newton। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा टाइम्स फोर्स लगा देगा, जितना टाइम्स ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अभी फार्मूला से भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 newton लगाएंगे तो 20 newton हो जाएगा, 10 newton लगाएंगे तो 100 newton हो जाएगा। तो इसी का यूज किया जाता है हम लोग हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स में, इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मान ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में पूछ दिया है इसका एरिया 10 cm, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं 10 newton, तो बताया कि इस पर फोर्स कितना लगाएगा, ए वाला फोर्स जो पिस्टन है कितना फोर्स लगाएगा, तो आपको F2 डिवाइडेड बाई A2। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 बाई A1, यानी 100 डिवाइडेड बाई 10 × 10 newton लगा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 से 10 कैंसिल होगा, 100 newton। तो आप लोग देखें यहाँ पर हमने कितना फोर्स लगाया, 10 newton लगाया फोर्स, यहाँ पर 10 newton फोर्स लगाया तो 100 newton लगाया। इसी कंसेप्ट का हाइड्रोलिक्स ब्रेक में काम करता है। देखें यहाँ पर हाइड्रोलिक्स ब्रेक आप लोग देखा होगा कि कार या बाइक में भी होता है, बाइक का हम लोग डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे कैसे बाइक में हाइड्रोलिक्स ब्रेक काम करता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इफ पैडल है, देख रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिया, और जहाँ पर हमें फोर्स लगाना है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया। तो जैसे ही ये ब्रेक पैडल हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो F1 डिवाइड बाई A1 का वैल्यू, यहाँ पर F2 डिवाइड बाई A2 का वैल्यू है, तो इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो प्रेशर चेंज किया वो उतना ही प्रेशर ये है, अब ये प्रेशर क्या करेगा, ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा क्योंकि फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज हुआ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगा देगा, यहाँ कम भी फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाए, और ये व्हील जो हमारा रोटेट करता है उस ब्रेक से कनेक्ट हो जाता है और ज़्यादा फोर्स लगाता है जिसके वजह से हमारा गाड़ी रुक जाता है। अब आप लोग इसका देखें कैसे हमारे बाइक में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, आप लोग इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें कैसे काम करता है, पी ब्रेक निकाले तो वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, हमने कम फोर्स लगाया और ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट हो गया, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पुश करता है, ज़्यादा कम फोर्स लगाते हैं तब भी ज़्यादा अमाउंट से पुश करता है और डिस्क को रोक देता है ना, जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि हम ज़्यादा बाइक तेज चलाते रहते हैं तब भी हम रोक लेते हैं कम फोर्स अप्लाई करके भी, ठीक है। तो ऐसा ही ये हमारा हाइड्रोलिक स्प्रे काम करता है। उसी तरह से कार बाइक में भी होता है, आप देखते हैं उतने बड़े ट्रक को एक छोटा सा आदमी उसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि पावर ब्रेक का यूज करके इस तरह से यूज करते हैं।